एमजी ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी कॉमेट को लॉन्च किया है इंडियन फोर व्हीलर ऑटोमोबाइल मार्केट में, जो टाटा टियागो ईवी जैसी गाड़ियों को डायरेक्ट कंपटीशन देगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इन दोनों गाड़ियों के डिफरेंसेस के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो टियागो ईवी का प्राइस स्टार्ट होता है 8.69 लाख रुपीज से, और इसका टॉप वेरिएंट 12 लाख रुपीज तक जाती है। और एमजी कॉमेट का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 7.98 लाख रुपीज से, और लगभग 10 लाख रुपीज तक जाती है। पर यह प्राइस अभी ऑफिशियल नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में। तो कॉमेट की लेंथ है 2974 mm, जो कि 795 mm कम है टियागो से। उसके बाद विड्थ है 1505 mm, जो कि 172 mm कम है टियागो से। उसके बाद हाइट है 1640 mm, जो कि 104 mm ज़्यादा है टियागो से। और व्हील बेस है 2010 mm, जो कि 390 mm कम है टियागो में मिलने वाले व्हील बेस से। टर्निंग रेडियस की बात करें तो कॉमेट को लगता है 4.2 मीटर और टियागो को लगता है 5.1 मीटर। कॉमेट टियागो से छोटी है, इसलिए इसका कम जगह से मुड़ना आम बात है। उसके बाद बूट स्पेस की बात करें तो कॉमेट में ना के बराबर बूट स्पेस मिलता है। अगर आपको ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो कॉमेट की सेकेंड रो वाली सीट फोल्डेबल है 50:50 में, उसे फोल्ड करना होगा। वही दूसरी तरफ टियागो में आपको 240 लीटर की बूट स्पेस दिया गया है। कॉमेट में आपको 17.3 किलोवाट की बैटरी दिया गया है, जो लगभग 41.42 bhp की पावर जनरेट करता है और 110 nm का टॉर्क जनरेट करता है। कॉमेट में आपको इस बैटरी के साथ 230 किमी का रेंज क्लेम किया गया है। अगर इसे हम कंपेयर करें टियागो में मिलने वाला 19.2 किलोवाट की बैटरी से, तो ये 18.92 bhp कम पावर जनरेट करता है, लेकिन टॉर्क दोनों का बराबर है 110 nm का। वही रेंज की बात करें तो कॉमेट में आपको 20 किलोमीटर की रेंज कम मिलता है। टियागो में एक और बैटरी ऑप्शन दिया गया है 24 किलोवाट का, पर उसे हम कॉमेट से कंपेयर ना ही करें तो अच्छा है। बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो दोनों गाड़ियों में आपको ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, जैसे कि ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर और सीट बेल्ट प्रिटेंशनर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे फीचर्स दिया गया है। अब उसके बाद कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले उन फीचर्स के बारे में जानते हैं जो कॉमेट में मिल जाते हैं, टियागो में नहीं। LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स। कॉमेट की रियर सीट फोल्डेबल है 50:50 में। कॉमेट में आपको रियर फॉग लैम्प्स देखने को मिलता है, पर टियागो में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। कॉमेट में आपको XUV700 की तरह डुअल स्क्रीन दिया गया है। तो ये वो फीचर्स है जो कॉमेट में मिल जाते हैं पर टियागो में नहीं। तो आप जान लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो टियागो में मिलता है, कॉमेट में नहीं। कॉमेट की पीछे वाली रो में आपको चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया है, पर वो टियागो में मिल जाते हैं। लेदर सीट्स, जो कि कॉमेट में नहीं मिलता है। टियागो में 8 स्पीकर्स मिलता है और कॉमेट में सिर्फ 2। टियागो में फॉग लैम्प्स फ्रंट में दिया गया है और कॉमेट में पीछे। रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, डुअल ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं टियागो में। तो ये था दोनों गाड़ियों की कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की अंतर। अब आते हैं कंक्लूजन पे। इन दोनों में से ज़्यादातर लोग टियागो को ही प्रेफर करने वाले हैं, क्योंकि लॉजिक यही कहते हैं। टियागो में आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन दिया गया है। रेंज टियागो की दोनों इंजन में ही ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा बूट स्पेस के साथ स्पेशियस इंटीरियर मिलेगा टियागो में, तो लोग कॉमेट क्यों ही खरीदे। लेकिन अगर आपको एक छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए जो कम जगह से मुड़ जाए, डुअल स्क्रीन चाहिए अंदर, तो वो लोग कॉमेट की ओर जा सकते हैं। बाकी आज की वीडियो इतना ही, और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।